बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहें और अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में और आपकी जान माल और इज्जत को अपनी पनाह में रखे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे अंडे की मिठाई। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताएँ कि कैसी बनी। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। घी लेंगे हम 1 कप, 1 कप चीनी लेंगे, मिल्क पाउडर लेंगे 1 कप, जायफल और जावित्री पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, बादाम लेंगे कटे हुए 1 टेबलस्पून, 6 अदद अंडे लेंगे, कटे हुए पिस्ते लेंगे 1 टेबलस्पून, सब्ज़ इलायची पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम अंडे तोड़ लेंगे एक बर्तन में। छः के छः अंडे हमने तोड़ लिए हैं। अब एक फ्राई पैन ले लें जिसमें हमने अंडे का मेसू तैयार करना है। सबसे पहले फ्राई पैन में घी डाल लें। चीनी ऐड कर दें और अंडे इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि कोई गुठलियां ना रह जाएं। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम यानी लो से थोड़ी ज़्यादा फ्लेम रख के आधे घंटे के लिए पकाएंगे। फ्लेम तेज़ नहीं करनी और चमचा हिलाते रहना है लगातार। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसे हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है फ्राई पैन में। हाथ आपने रोकना नहीं है। दस मिनट हो चुके हैं, ये देखें बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया है। लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है।
15 मिनट इसे हो गए हैं। अब इसकी शेप देखें तो सूजी के हलवे जैसी लुक आ रही है, लेकिन आपने मिक्स करते रहना है, हाथ रोकना नहीं है। अब इसको 20 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। अभी इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा पैन के साथ। पच्चीस मिनट हो चुके हैं और अंडों ने अपना कलर चेंज कर लिया है। पहले इसका कलर येलो था, लेकिन अब ये देखें लाइट ब्राउन हो गया है। चमचा अभी भी चलाते रहना है। अब देखें पूरे 30 मिनट हो चुके हैं और अंडों ने कलर चेंज कर लिया है और ब्राउन कलर आ गया है इन पे। अब इसमें इलायची पाउडर डाल लेंगे, साथ ही हम इसमें जायफल और जावित्री की एक एक चुटकी डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जरूर डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि खुशबू अच्छी तरह इसमें आ जाए। अब ये देखें जब इस तरह का अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए तो ये रेडी है। बहुत ही प्यारा कलर आया है इस पे। अब हम इसे किसी बर्तन में या ट्रे में निकाल लेंगे। इसे सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम कटिंग के निशान लगा लेंगे। जितने बड़े पीस आप रखना चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक रख लें। कट्स लगा के रखेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि 2 घंटे में ये जम जाएगा बिल्कुल, ना ही इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, बस बाहर ही जम जाएगा।
अब इसके ऊपर बादाम और पिस्ते लगा देंगे। बादाम लगा दिए हैं, अब पिस्ते लगा देते हैं। अब इन्हें थोड़ा सेट कर देंगे ताकि ये इसमें बैठ जाएं। दो घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे इसे रख देंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी मिठाई, तो आराम से पीस निकल आएंगे। तैयार है हमारी अंडे की मिठाई, इसे अंडे का मेसू भी कहते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।